हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक माय चैनल फिजिक्स एसपीसी पी सी बर्फ का एक क्वेश्चन फॉर दी पाथ पी क्यू आर इन अ कंजर्वेटिव फोर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू पी से क्यू एंड फ्रॉम क्यू टू आर फाइव जूल एंड टू जूल रेस्पेक्टिवली वर्डन इन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम पी टू आर देखो एक बात तो हम P से R तक का वर्डन पूछ रहा है और एक इसका वर्डन और इसका वर्डन हमें दे रखा है तो इस वाली पॉइंट को हम इनिशियल पोजीशन मान सकते हैं इनिशियल पोजीशन और इस वाले पॉइंट को हम फाइनल पोजीशन एक और इसको पाथ टू मान सकते हैं इस वाले को और इस पूरे वाले पाथ को हम पाथ वन मान सकते हैं इसको हम पाथ वन कंसीडर कर सकते हैं अब इनिशियल स्टेट इस वाले पाथ के लिए देखोगे तो p है और फाइनल स्टेट फाइनल पोजीशन r है और इस वाले पाथ के लिए देखोगे पाथ टू के लिए तो इनिशियल पोजीशन p और फाइनल पोजीशन r तो दोनों पाथों का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है बट पाथ अलग-अलग है तो यहाँ पे कंद्र डिफोर्स लग रहा है तो इसमें जो की पॉइंट है वो लिख देता हूं पहले तो की पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए है ना की कंसेप्ट क्या है अगर आपको ये पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे नंबर एक की जो वर्गन है बाई और अगेंस्ट अगेंस्ट against a conservative force conservative force depends only depends only on the initial and final position ऑफ दी बॉडी इस सबके लिए नहीं है कौन से फोर्स के द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्डन दूसरा वर्गडन बाई और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स Does not does not conservative force does not depend upon the nature of the path between initial and Final of the body. बस इसमें यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है अब इस पॉइंट पॉइंट की की के आधार पर आप देखो कि इस वाले पाथ का वर्डन इसमें इस वाले पाथ वन में वर्डन और पाथ टू में वर्डन दोनों बराबर होंगे क्योंकि तो दोनों का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है वर्डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है तो आप ले सकते हो इसीलिए डब्लू पी टू क्यू प्लस डब्लू क्यू टू आर ये वर्डन इक्वल होगा डब्लू टू पी टू आर ये वाला वर्डन जो है पाथ वन के लिए है और ये वाला वर्डन जो है पाथ टू के लिए है और दोनों वर्डन बराबर होंगे क्योंकि वर्डन पाथ से कैसा होता है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल स्टेट और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करता है तो दोनों पाथों का जो है है इनिशियल पॉइंट पॉइंट और फाइनल सेम हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं तो डब्ल्यू पी क्यू हमें रखा है पी से क्यू तक का वर्डन हमें गिविन था पी से क्यू तक का वर्डन हमें गिविन था कितना डब्ल्यू पी क्यू फाइव जून और W क्यू आर टू जूल तो ये फाइव जूल दे रखा है और ये टू जूल और WPR पी आर हमसे पूछ रहा है इसीलिए WPR पी आर इज टू सेवन जूल इसीलिए हम इसका आंसर सेवन जूल बता सकते हैं ठीक पढ़ते रहिए और खुश रहिए थैंक यू